नगर में दो पड़ोसियों में देर रात तक डीजे बजाने की बात को लेकर सोमवार को विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि पड़ोसियों ने पुरुष सहित महिलाओं पर लात घूंसे और डंडों से हमला कर दिया। वहीं पूरी घटना पीड़ित परिवार के यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पूरी घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोक नगर की है, जहां रहने वाले एमपीबी और रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के पड़ोस में रहने वाले परिवार से देर रात तक डीजे बजाने की बात पर विवाद हो गया था। पीड़ित परिवार ने कई बार पड़ोसियों को समझाया, उसके बावजूद पड़ोस में रहने वाले नहीं मान रहे थे। उसी दौरान सोमवार को पड़ोस में रहने वाले 10 से अधिक लोगों ने लात घूंसे और डंडों से पुलिस परिवार की महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पूरी घटना पीड़ित परिवार के यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बावजूद पुलिस परिवार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिसकी गुहार पीड़ित परिवार ने पुलिस जन सुनवाई में की, जहां एडिशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी ने संबंधित अधिकारियों को मामले में संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। हाँ, एक एरोड्रम का भी मामला सामने आया है, जिसमें एक पीड़िता हैं, वो यहाँ पर आई हैं, एक वीडियो भी दिखाया उन्होंने, जिनके साथ कुछ मारपीट हुई है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी को बताया गया है और आरोपियों के विरुद्ध FIR पंजीकृत की जाएगी, ऐसा उनको निर्देशित किया गया। इंदौर में एक कंपनी की एक बैठक में शामिल होने आए कर्मचारी की अचानक मौत हो गई। खरगोन जिले के कर्मचारी की मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में ऑल इंडिया लेवल पर एक कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था। उस कंपनी में शामिल होने के लिए देश भर से उसके कई एम्प्लॉय पहुंचे थे। इसी कड़ी में खरगोन का रहने वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव मुकेश भी इंदौर में आया हुआ था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और साथ में मौजूद कंपनी के कर्मचारी जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो उनकी मौत हो गई। जैसे ही उनकी मौत हुई, उनके परिजनों को भी पूरे मामले की सूचना दे दी गई, तो वहीं पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल साथ में काम करने वाले कर्मचारी इसे अटैक से मौत होना बता रहे हैं, तो वहीं परिजन कई तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने इस पूरे मामले में मृतक के पोस्टमार्टम करवाकर पूरे मामले की काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। एक मुकेश नाम का व्यक्ति कोई कंपनी की मीटिंग थी तो यहाँ पर आए थे, तो सेठी हॉस्पिटल के पास शौचालय के पास चक्कर खा के गिर गए थे, हॉस्पिटल लाए तो यहाँ की डेथ हो गई है। नाम है इनका मुकेश, पिता गजानन इंगला, उम्र 30 साल, निवासी खेड़ापति माता मंदिर के पास, शांति नगर, जिला होशंगाबाद। ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये इंदौर आ रहे, कोई मीटिंग थी इनकी यहाँ पर कंपनी की। खरगोन सहित पूरे प्रदेश में कपास पर मंडी शुल्क कम करने की मांग को लेकर आज से कपास व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दीपावली के त्योहार पर बंपर आवक के समय मंडी में खरीदी बंद होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लंबे समय से कॉटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारी कपास पर से मंडी टैक्स कम करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। 11 अक्टूबर से मंडी टैक्स कम नहीं करने पर सरकार को अनिश्चितकालीन कपास मंडी बंद करने की मध्यांचल कॉटन एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने चेतावनी दी थी। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में मात्र मंडी टैक्स 50 पैसे लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स 1.70 रुपये लग रहा है। खरगोन में कपास की भरपूर आवक के दौरान आनंद नगर कपास मंडी के बंद होने से किसान की चिंताएं बढ़ गई हैं। इधर मंडी प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों से बातचीत कर समझाइश दी जा रही है। शासन स्तर का निर्णय है टैक्स कम करना। मंडी व्यापारी संघ के ज्ञापन को शासन स्तर तक भेजा गया है। शासन के निर्णय की एक प्रक्रिया है, व्यापारियों को समझाइश देकर किसान के हित में मंडी शुरू कराएंगे। पूरे प्रदेश में आज कपास मंडी बंद होने से सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। कपास व्यापारियों द्वारा ये आवेदन दिया गया है कि जैसे महाराष्ट्र में 50 पैसे मंडी शुल्क है, तो मध्य प्रदेश में 1.5 रुपये की जगह 50 पैसे मंडी शुल्क किया जाए और निराश्रित शुल्क जो 20 पैसे लगता है उसको समाप्त किया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ज्ञापन दिया है। हमारे द्वारा उनको समझाइश दी जा रही है कि शासन स्तर पर विचार होगा आपके ज्ञापन पर, तब तक आप मंडी चालू करें, कृषक हित में मंडी चालू करना आवश्यक है। गोई नदी पुल के समीप मिली अज्ञात व्यक्ति का शव, गांव में फैले सनसनी, पुलिस पहुंची मौके पर, जांच में जुटी पुलिस। पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम ओसाड़ा सेमली के बीच गोई नदी पुल के पास सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांव के पटेल को दी, वहीं पटेल द्वारा पुलिस थाने पर सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव का मर्ग कायम कर जांच में लिया। थाना प्रभारी रामकृष्ण लोवंशी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि सेमली गोई नदी पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर मौके पर जाकर देखा, वहीं शव की शिनाख्त करने के लिए आसपास के थानों पर सूचना दी गई। वहीं ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है।
हाँ, गोई नदी में एक अज्ञात पुरुष उम्र करीबन 40 से 45 साल के व्यक्ति का शव मिला है। अभी ओसाड़ा के पटेल पदम पटेल ने थाना पर सूचना दी कि गोई नदी के अंतर्गत शव पड़ा हुआ, जो थाना पर मर कायम कर जांच में लिया गया है। और सूचना प्राप्ति के बाद में आसपास के जो गोई नदी से लगे हुए थाने, उन थानों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं और आसपास के ग्रामों से भी पूछताछ कर रहे हैं कि उक्त व्यक्ति के बारे में अगर कोई पता हो या जानकारी मिले तो तत्काल थाना पुलिस पार्टी को सूचना देवे। मर्ग जांच कर अभी जांच में लिया गया है।